morning, students. Do you have the book of pearls in your hands? If not, take it soon and open lesson number 2 of English. What's that? Which subject we are going to study? Our subject is English. Subject English. Okay. And lesson number 2. And our topic is द टेल ऑफ माउंटेन. आपको याद होगा हमने पिछले पीरियड में इस टेल के बारे में पढ़ा था. टी ए एल ई टेल मीन्स कहानी, एक माउंटेन यानी पर्वत की कहानी. फिर इसके अलावा मैंने आपको और दूसरे दो टेल बताए थे. टी डबल एल टेल यानी कहना, टी ए एल ई टेल यानी स्टोरी, एंड टी ए आई एल टेल मीन्स पूछ, है ना. ये सब बताया था आपने, लर्न कर लिया होगा. मैंने आपको हार्ड वर्ड्स दिए थे, आपको डेली लर्न कर लेना है. बिल्कुल भी पेंडिंग वर्क नहीं रहना चाहिए कुछ भी, ठीक है. और हमने फ्रेंडशिप के ऊपर जो गेट स्टार्टेड वाली एक्टिविटी थी वो भी की थी. आज हम रीडिंग करेंगे सेक्शन 1 की. आपको रीड करना है, मैं जहां से रीड कर रही हूँ वहां पर अपनी फिंगर रखना है, फिर अपने पेरेंट्स को रीडिंग करवा के देना है. मतलब रीडिंग करना है, पेरेंट्स सुनेंगे. आपकी रीडिंग बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए. जब आप स्कूल आते थे हम कैसे हर लेसन शुरू करते ही हर बच्चे की हम रीडिंग लेते थे, रोल नंबर वाइज सबकी कंपल्सरी हम रीडिंग लेते थे, है ना. तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर में रीडिंग जरूर करना है, ठीक है. तो सेक्शन 1 है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माउंटेन व्हिच वाज सो हाई. एक समय की बात है, एक माउंटेन था बहुत ऊंचा था, है ना. माउंटेन ऐसा होता है ना, ये है माउंटेन की पिक. पिक यानी क्या होता है, चोटी. माउंटेन की चोटी, पर्वत चोटी या शिखर, ठीक है. वो इतना था कि शायद दुनिया में सबसे ऊंचा होगा. मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है. उसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर्स है. उसको मतलब तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने क्या किया, पहली बार उस पर चढ़ाई करने में वो सफल हुए, ठीक है. इट स्टूड अलोन इन द ब्लू स्काई. ये जो माउंटेन था नीले आसमान में, है ना, बाहर हमको क्या दिखता है, ब्लू स्काई. वहां पर अकेला खड़ा रहता था. द प्लेन वॉज फार बिलो. प्लेन कैसा था, बहुत नीचे था. फार यानी दूर, बिलो यानी नीचे. सो इट हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स. माउंटेन्स के बहुत, ये जो माउंटेन है जो हमारी कहानी का हीरो है, द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, उसके जो मतलब फ्रेंड्स थे बहुत कम थे, क्योंकि बहुत ऊंचा था. उतने ऊपर तो कोई उड़ ही नहीं सकता था, मतलब बर्ड्स उड़ते थे और कोई नहीं जा सकता था, है ना. फिर लेकिन सिर्फ एक था जो एक बहुत बिग फ्लफी क्लाउड था. फ्लफी मतलब मतलब गद्देदार, हल्का, एयरली, हाँ ठीक है. वो वहां पर जाता था पिक के पास. बट व्हाट फन इट वाज टू पोक इट्स पॉइंटेड पिक इनटू देयर फ्लफी मिडिल. लेकिन क्या होता था मालूम है क्या, जो पर्वत की जो पॉइंटेड पिक है, ये पिक पिक यानी क्या होता है, चोटी. ये कैसी है, पॉइंटेड, है ना. ये पॉइंटेड है ना, मतलब नुकीली है. POINTED पॉइंटेड यानी क्या होता है, नुकीली, ठीक है. ये जो पर्वत चोटी है उन गद्देदार बादलों को चुभती थी, है ना. मतलब उस उन बादलों को वो ऐसे ढकेलता था अपनी चोटी से, या फिर उनको टिकल करता था. टिकल करना यानी गुदगुदी करना, ठीक है. हार्ड वर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं हम एक और. उस दिन भी आपने बनाए थे, आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है. पिक यानी चोटी लिखे थे हमने उस दिन, पॉइंटेड लिख चुके हैं, तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पर टिकल. टी आई सी के एल ई, टिकल मीन्स गुदगुदी करना. द क्लाउड वुड बर्स्ट इन टू लाफ्टर. और जब बादल जब से उड़ते होंगे, है ना, ऐसे उड़ के आते होंगे, तो ये जो पर्वत चोटी है उनको गुदगुदी करती थी. मतलब वो उनको छू कर उन्हें गुदगुदी करती थी, तो उन्हें बहुत
हंसी आती थी, लाफ्टर बस्ट इनटू लाफ्टर यानी जोर से हंसते थे बादल, ठीक है। और समटाइम्स दे वुड लाफ सो हार्ड दैट दे वुड क्राई, और कभी कभी वो इतना जोर से हंसते थे कि वो रो पड़ते थे। इसका मतलब समझा आपको मित्रों कि जब बादल, जब जो बादल होते हैं उसके बीच में अगर कोई पहाड़ आ जाता है तो क्या करते हैं, वहां पर उसकी ठंडी हवाओं के संपर्क में आकर बरसते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो पर्वत की चोटी है बादलों को गुदगुदी करती थी, जिससे उनको इतनी हंसी आती थी, इतनी हंसी आती थी कि हंसी के मारे रो पड़ते थे, है ना। मतलब झमाझम बारिश हो जाती थी और बारिश धरती पर आती थी। एक बार क्या हुआ, वन हॉट समर द सन शोन डाउन सो हार्ड, एक समर में सन शोन डाउन, शोन ऐसे चो यानी, शोन यानी क्या है, शाइन का वी टू फॉर्म है। ये देखो वी वन क्या है, शाइन, एस एच आई एन ए, शाइन यानी चमकना, है ना, चमकना। और वी टू क्या हो गया इसका, शोन, एस एच ओ एन ए, शोन मीन्स चमका, शाइन शोन शो एंड फोर दिस शाइनिंग। तो इतना जबरदस्त चमका है ना, समर में सूरज की धूप कितनी तेज रहती है, तो बहुत हार्ड हार्ड एकदम वो चमका बहुत लंबे समय तक, फॉर सेवरल डेज, सेवरल यानी कई, एसी वी ई आर ए एल, सेवरल मींस कई, कई दिनों तक वो चमका द माउंटेन फैक्ट। हाँ, एंड देयर वाजंट अ सिंगल लिटिल क्लाउड इन द स्काई, और इतना चमका कि मतलब बादल तो बिल्कुल दूर दूर तक थे ही नहीं आसमान में। सो माउंटेन फेल्ट वेरी सैड, माउंटेन को बहुत दुख हुआ। फाइनली व्हेन इट कुड नॉट बियर बीइंग लोनली एनी लॉन्गर, फाइनली मतलब अंततः आखिर में जब वो लोनली यानी अकेला, एल ओ एन ई एल वाय, लोनली अकेला, जब वो मतलब उससे अकेला नहीं रहा गया, when it could not bear being lonely any longer, बिल्कुल रह नहीं सका वो अकेले, it asked the great wide sky, उसने आसमान से पूछा, great यानी बहुत बड़ा, आसमान कितना बड़ा है ना, हर जगह हमको आसमान ही आसमान दिखता है। क्या आपके घर के ऊपर आसमान नहीं है, है ना, मेरे भी घर के ऊपर है, हर जगह है। तो इतने वाइड चौड़े विस्तृत आसमान से उसने पूछा, Why won't you let the little ones run and play? तुम छोटों को खेलने कूदने क्यों नहीं देते, दौड़ने भागने क्यों नहीं देते? Where have they gone? कहाँ चले गए सारे, बादल किधर गए? The sky replied, All my children have gone to the kingdom of winter. मेरे सारे बच्चे कहाँ चले गए? विंटर में चले गए, मतलब विंटर वाले दुनिया में चले गए जहाँ पर ठंडी चल रही है। Which is very far from here. जो यहाँ से बहुत दूर है, मतलब हमारे देश में जब समर है तो किसी और देश में क्या है, विंटर है। ऐसा होता है ना, यूरोपियन कंट्रीज में अलग सीजन होते हैं, हमारे कंट्रीज कंट्री में अलग सीजन होते हैं, ठीक है। सो दे वॉन्ट कम बैक अंटिल द एंड ऑफ समर, अभी जब तक समर खत्म नहीं होगा वो नहीं आएंगे। दे वॉन्ट कम बैक, वॉन्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो want है W-O-N-apostrophe-T, ये है will plus not, will plus not का ये short form है want, they won't come back, मतलब वो नहीं आएंगे जब तक समर खत्म नहीं होता। I miss them so much, who said this, mountain ने कहा, मैं उन्हें बहुत miss कर रहा हूँ। The mountains then I miss them so much. The mountain said with a shy. Shy means long deep breath to express sadness. आह भरते हुए, sad feeling के साथ mountain ने कहा, मैं तो उन्हें बहुत miss कर रहा हूँ। Maybe I should go to the winter kingdom too. काश काश मैं भी उस winter kingdom में जाता जहाँ पर मेरे दोस्त
गए हैं एंड विजिट माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिल पाता है ना। हमारे दोस्त जो होते हैं कितने जो एक मतलब कितना करीबी रिश्ता होता है दोस्तों के साथ। अभी आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को फ्रेंडशिप बेल्ट भी बांधे होंगे है ना। तो यू आर अ माउंटेन, माउंटेन्स आर हैवी एंड कांट फ्लाई, हु सेड दिस? ये किसने कहा? एयर ने कहा कि न स्काई ने कहा, स्काई ने कहा कि माउंटेन, तुम तो माउंटेन हो, पर्वत हो, पर्वत जो है वो बहुत हैवी होते हैं। व्हाट्स मीन बाय हैवी स्टूडेंट्स? हैवी मींस भारी, एच ई ए वी वाई, हैवी मींस भारी। तुम तो बहुत भारी हो, तुम उड़ नहीं पाते, तुम नहीं उड़ सकते, यू कांट फ्लाई, तुम नहीं उड़ सकते, लाइक क्लाउड्स, बादलों में जैसे तुम नहीं उड़ सकते। सो माउंटेन के फ्रेंड्स कौन थे? बादल। और माउंटेन अभी किससे बात कर रहा है? ग्रेट वाइट स्काई से, लंबे चौड़े विशाल आसमान से, है ना। सो देन माउंटेन्स ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस, द स्काई स्टेटेड फॉर्मली। माउंटेन हमेशा सेम प्लेस पे रहते हैं, पर्वत जो है अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते, इसीलिए उनको अचल कहा जाता है, शैल कहा जाता है ना। तो फिर स्काई ने उनको ऐसा जवाब दिया कि तुम कैसे जा पाओगे, तुम तो माउंटेन हो, माउंटेन तो कभी अपनी जगह छोड़ते नहीं, दे आर फिक्स्ड ऑन देयर प्लेस, है ना, दे हैव टू रिमेन द सेम प्लेस फॉर इयर्स एंड इयर्स। देन द माउंटेन बिकम इवन सैडर, माउंटेन को और ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत दुखी हो गया वो। एवरीवन एल्स मूव अराउंड द फाइंड्स एक्साइटिंग न्यू थिंग्स, मतलब वो क्या बोल रहा था कि एवरीवन यानी हर कोई, सब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, मूव करना यानी यहाँ से वहां जाना, दिस इज माय मूवमेंट स्टूडेंट्स, है ना। मूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मूव कर सकती है आप, मैं, हम, बादल भी मूव कर सकते हैं, हवा मूव करती है, चिड़िया मूव कर सकती है, लेकिन प्लांट्स कर सकते हैं क्या? नहीं। हमने देखा साइंस में कि वो ऊपर की तरफ जाते हैं, उनमें भी मूवमेंट होता है, बट जो माउंटेन है वो अपनी जगह से कहीं जा नहीं सकते, है ना। तो इस बात का उनको बहुत दुख था कि एवरीवन एल्स कैन मूव एनीवेयर व्हेरेवर दे वांट, बट आई हैव टू स्टे ऑन द सेम प्लेस, हाउ सैड, हाउ अनलकी आई एम, हु वाज थिंकिंग सच, द माउंटेन। देन I have to sit still. Nobody and nothing needs me. It will. Will यानी मतलब वो दुख से कराना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो माउंटेन इस तरह से बहुत दुख व्यक्त कर रहा था। Then फिर क्या हुआ? धीरे धीरे tears begin to flow like rivers down the mountain's face. और माउंटेन के फेस से जो है उसके चेहरे पर से, जब माउंटेन बहुत दुखी हो गया, पहाड़ बहुत दुखी हो गया, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकली। वो धारा इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसने नदी का रूप धारण कर लिया। और नदियां जो है वो फर्स्ट टाइम उनको लाइफ मिली, माउंटेन के रोने से उनको लाइफ मिली। इवन एज इट क्राइड द ड्राइड एंड क्रेन प्लेन ड्रैंक द फ्लोइंग वाटर थर्स्टी, मतलब जितना माउंटेन रोता था उतना जो ड्राइड लैंड था, क्रेक्ड प्लेन मतलब जब सूख जाता है, पानी नहीं होता प्लेन में, मतलब मैदानी क्षेत्र में, तो उसमें कैसी दरारें पड़ जाती है ना, क्रैक्स आ जाते हैं। उन्हें क्या हुआ? पानी पानी बहने लगा। एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर तक, द क्रैक्स इन द सॉइल हैड हील्ड, और सॉइल में जितने क्रैक्स थे, जितने दरारें थे, हील हो गई यानी भर गई, ठीक है। देन राइट हियर हील, एच ई ए आर, हील यानी भर जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे, द क्रैक्स इन द सॉइल हैड हील्ड, हिल हो गई, भर गई पूरी क्रैक्स, द प्लेन बिकम फ्रेश एंड ग्रीन। प्लेन कैसा हो गया? प्लेन बिकेम फ्रेश। प्लेन जो है मतलब जो सपाट मैदानी क्षेत्र था वहां पर बहुत ताजगी आ गई, ग्रीन हो गया, घास उठ गई, झाड़ पेड़ पौधे लता शाखाएं बेल सब उसमें आ गए। और द प्लेन कॉल्ड आउट, द प्लेन कॉल्ड आउट टू द माउंटेन, और प्लेन ने माउंटेन को पुकारा, ओ काइंड माउंटेन, हे दयालु पर्वत, थैंक यू, बहुत धन्यवाद फॉर सेविंग मी फ्रॉम द टेरिबल फेट, मेरा टेरिबल फेट यानी जो टेरिबल यानी बहुत भयानक, फेट यानी किस्मत, है ना।
तो मेरी बदकिस्मती को बदलने के लिए बहुत शुक्रिया। योर वाटर इज सो प्योर, तुम्हारा पानी इतना साफ है, पवित्र है, दैट इट हैज हील्ड ऑल माई वाउंड्स, इसने मेरे सारे जख्मों को, वाउंड्स को भर दिया है ना। सो वाउंड्स मीन्स घाव या जख्म। The plane called out to mountain. Then now we have read that. The plane was so surprised. Plane जो था वो बहुत surprised हुआ. Mountain was so surprised. Mountain को बहुत shock लगा. Wonderful experience हुआ. वो उसने रोना बंद कर दिया. Stopped crying. Okay students, तो हम बाकी बाद में देखेंगे. Because it is time to the end of the period, you must note down the homework. We will read soon in next period. What will be your homework of the day of English? It will be first read lesson number 2. Lesson number 2 आपको read करना है. Then second homework learn and write the hard words. इसके पहले जो मैंने हार्ड वर्ड दिए थे इसके पहले के पीरियड में वो भी और ये भी आपको लर्न करना है और लिखना भी है. सो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में. अप टू दैट, बाय बाय.